चित्रकूट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। यह शहर मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है। चित्रकूट सभी तीर्थों का तीर्थ है। हिंदू आस्था के अनुसार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, किंतु चित्रकूट को उससे भी ऊंचा स्थान दिया गया है। शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है, जो चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरा हुआ है। चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनार बने अनेक घाट और मंदिरों में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। यह शहर बहुत ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि है। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। दोस्तों, चित्रकूट जिला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिवीजन में आता है। यह शहर महोबा नगर के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है, जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है और चित्रकूट जिले का कुल क्षेत्रफल 3216 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा साल 2011 की जनगणना के अनुसार चित्रकूट जिले की कुल जनसंख्या 9 लाख के लगभग है और साक्षरता दर 66.53% है। दोस्तों, चित्रकूट एक ऐसी तपस्थली है जहाँ की मिट्टी पहाड़ों, वनों और झरनों की खुशबू देश विदेश के योगियों, ऋषियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। विचित्रताओं और विभिन्नताओं वाले इस क्षेत्र पर कहीं कल कल करती मंदाकिनी का सुंदर जल है, तो कहीं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का उन्मुक्त यौवन बिखेरती पहाड़ियां हैं, तो कहीं सुंदर गुफाओं में मौजूद नायाब नमूने हैं, तो कहीं किलोमीटरों में फैले विशालकाय जंगल है। पर्यटक इन सुंदर नजारों को देखकर अपनी सद्बुद्ध विसरा देता है। देश में मौजूद अन्य पर्यटन केंद्रों की तरफ जाने वाले लोगों में जहां सिर्फ तफरीह और सुंदर दृश्यों को देखने की प्रवृत्ति होती है, वही यहां आने वाले के मूल में धार्मिकता के दर्शन होते हैं। प्रकृति की अनमोल धरोहरों से आनंदित होता व्यक्ति जब सुबह उठते ही बम बम भोले और जय श्री राम के सुंदर भजन सुनता है, तो वह रोमांचित होकर धर्म की इस नगरी में आकर अपने आप को पुष्य का सबसे बड़ा भागी मानता है। दोस्तों, इस जिले का गठन 6 मई 1997 को ही किया गया था। प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बांदा जनपद को विभाजित कर छत्रपति शाहू जी महाराज नगर जिले का गठन किया गया था। कुछ समय बाद 4 सितंबर 1997 को इस जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया था। दोस्तों, इस जिले के उत्तर में फतेहपुर जिला, पश्चिम में बांदा जिला, दक्षिण व दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व में कौशाम्बी जिला तथा पूर्व में इलाहाबाद जिला स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा चित्रकूट जिले में कई सारे खूबसूरत दर्शनीय स्थल मौजूद है, जैसे कामदगिरी पर्वत। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं स्थित है। रामघाट। रामघाट वह घाट है जहां प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर राम भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती मन को काफी सुकून पहुँचाती है। इनके अलावा आप गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम, हनुमान धारा, जानकी कुंड, स्फटिक शिला, शबरी फॉल्स जैसे कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस देख सकते हैं। पर आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।